तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह के। तो मुझे कई रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई एक नई मूवी आई है काल की, उसका जो ट्रेलर आया है तो आप एक बार वो ट्रेलर देखो और हमें बताओ कि क्या इसमें शैतानी चिन्ह है या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में वो वीडियो देखते हैं, एक्चुअली वो ट्रेलर देखते हैं काल की मूवी का, और क्या है क्या नहीं है, क्या उसमें सच में शैतानी चिन्ह है, एक बार देखते हैं और जानते हैं। वार्निंग, इस वीडियो के अंत में जो भी मैं बोलूँगा ना, हो सकता है अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, आपको बुरा लग सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हिंदू हैं या कोई भी धर्म के हैं, आप ये वीडियो मत देखिए। ये वीडियो केवल क्रिश्चियंस के लिए, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। पहली चीज़ ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, बैफोमेट साफ साफ दिख रहा है, शैतान का सिंह, जो बकरी की शक्ल का शैतान होता है, हमें साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर उसके सिंह, पहला सिंह, दूसरा सिंह, ये बकरी की शक्ल का है। ये इतना साफ साफ नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं ना इन सब शैतानी चिन्हों के विषय में, वो लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दो सिंह। ओके, अगली चीज़ जो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, वो दिख रहा है ये सा आधा चांद। देखो ये एक्चुअल में आधा चांद का चिन्ह है। ओके, और शैतान के पुजारी, हम साफ साफ देख सकते हैं इस आधा चांद, ये जो है ये इसका, इस चिन्ह का भी इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये बैफोमेट की तस्वीर है, यानी शैतान की तस्वीर, और उसके अगर हम यहाँ पर देखें ये साइड में, तो यहाँ पर साफ साफ हम देख सकते हैं क्या है, आधा चांद है। शैतान का पुजारी आधा चांद का इस्तेमाल करते हैं, ये एक चिन्ह है इनका। इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी, कहते हैं कि ऊपर पानी है, पूरी दुनिया से सब छीन लोगे। हमें साफ साफ यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल, ये शैतान के पुजारी उल्टा पिरामिड को बहुत ज्यादा पूजते हैं, और हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं ये उल्टा पिरामिड, देखिए। और यहाँ पर केवल उल्टा पिरामिड ही नहीं है, एक्चुअली ये उल्टा पिरामिड यूज़ क्यों करते हैं, ये उल्टा पिरामिड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि मिस्र के जो देवी देवता थे उनको बहुत ही ज़्यादा इजरायली माना करते थे ना, तो इसीलिए ये शैतान के पुजारी उल्टा पिरामिड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और केवल उल्टा पिरामिड ही नहीं, ये शैतान के पुजारी हर प्रकार के पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर केवल पिरामिड ही नहीं है, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि भाई ये यहाँ पर उल्टा पिरामिड है, केवल उल्टा पिरामिड ही नहीं है, अगर यहाँ पर हम गौर करें तो यहाँ पर हमें बिजली गिरते हुए, जो कि एक और शैतान का चिन्ह है, जिसे थंडर बोल्ट भी कहते हैं। तो ये जो थंडर बोल्ट साइन है, ये भी शैतान का साइन है। मैं आप लोगों को सीधा करके दिखाता हूँ ये पिरामिड। तो देखिए ये पिरामिड को मैंने अभी सीधा कर दिया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर पिरामिड के सामने, यानी मिस्र के देवी देवताओं या फिर शैतान के सामने क्या गिरा पड़ा है, आप ध्यान से देखिए, ये गिरा पड़ा है, दो बिल्डिंग गिरा हुआ है। ये दो बिल्डिंग क्या है, ये जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग दिखाता है कि संसार का जो भी अभी व्यवस्था चल रहा है ना, जो भी ऑर्डर चल रहा है, संसार कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो गिर जाएगा। और कौन बीच में को किसका उदय हो रहा है, सीधा करके दिखाता हूँ, बीच में किसका उदय हो रहा है, बीच में देवी देवताओं का और दूसरे देवी देवताओं का, यानी शैतान का उदय होगा। और ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो एक दो तीन है, ये थंडर बोल्ट का चिन्ह है। ओके, बिजली गिरते हुए। और ये शैतान के पुजारी इस चिन्ह का क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं बाइबल में, यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा ना, बाइबल में वचन है। तो उसी चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं ये शैतान के पुजारी, और यहाँ पर देख सकते हैं ये बिजली गिरते हुए ऐसे। ओके, और यहाँ पर और ज़रा गौर करेंगे, इसको उल्टा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको ऐसे भाला, एक गेट जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर ना, ऐसा फेंसिंग टाइप का, ये गेट जैसा, ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है देशों को, देश के फौजों को, अलग अलग देश के फौजों को। तो शैतान का उदय होगा। ओके, ये राज्य को भी दर्शाता है, ये बिल्डिंग्स राज्य या देशों के बीच में शैतान का उदय होगा, और सारे देश के फौजों के बीच में वो राज करेगा, तो ऐसे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं थंडर बोल्ट का साइन। ओके, दूसरा चिन्ह हमें क्या दिखता है, दूसरा चिन्ह हमें दिखता है यहाँ पर एक बड़ा सा मूर्ति है, उस मूर्ति के हाथ में कुछ लोग हैं। ये बड़ा मूर्ति किस चीज़ का है, अगर आप
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे जो एंटी क्राइस्ट 666 शैतान 666 भी कहते हैं, जिसे वो जो आएगा ना एंटी क्राइस्ट ख्रिस्ट विरोधी, वो क्या करेगा, जो झूठा मसीहा होगा वो अपनी मूर्तियां बनवाएगा जगह जगह में, पूरे देशों में, अलग अलग जगह में, और बोलेगा मुझे परमेश्वर बोल के तुम लोग मानो। अगर जो उसको परमेश्वर करके नहीं मानेंगे ना, उन्हें क्या करेगा, वो मरवा देगा। और जो उसको परमेश्वर करके मानेंगे एंटी क्राइस्ट को, उनके सर पे या दाहिने हाथ पे, राइट हैंड पे, वो क्या करेगा, अपना छाप लगा देगा। ओके, तो ये सब बातें आप लोग तो जानते हैं, बाइबल में साफ साफ दिया गया है सब कुछ बातें। तो ये बड़ी मूर्ति एक्चुअली, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये शैतान का है जो वो अपने लिए बनवाएगा, एंटी क्राइस्ट। ओके, अभी एक और चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए, इसकी अगर छाती पे गौर करेंगे तो छाती पे, इस मूर्ति के छाती पे देखिए, यहाँ पर इस टाइप का ट्रायंगल बना हुआ है, और केवल ट्रायंगल ही नहीं, इसके यहाँ से ऐसे सींग की तरह कुछ निकल रहा है गोल्डन कलर का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और ये एक्चुअली बैफोमेट है, जो कि शैतान का एक और नाम है। ओके, बैफोमेट, जो शैतान के पुजारी बैफोमेट को मानते हैं। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको उल्टा क्रॉस दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से आ रहा है ऐसे और यहाँ तक उल्टा क्रॉस, जो कि शैतान के पुजारी उल्टा क्रॉस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो लेफ़्ट आँख है ना, इस मूर्ति का लेफ़्ट आँख देखिए, वो नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, केवल एक आँख दिखाया जा रहा है, इसे कहते हैं वन आई सिंबलिज्म। ओके, शैतान के पुजारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको बॉलीवुड में, हॉलीवुड में ये सारे चिन्ह शैतान के पुजारी करते हुए दिख जाएंगे। ओके, खाली एक आँख दिखाते हैं, एक आँख छिपाया हुआ है। ठीक है, एक और चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इस मूर्ति के मुँह में देखिए एक स्क्रोल टाइप का, स्क्रोल ही है एक्चुअली, एक स्क्रोल इसने मुंह में दबाया हुआ है अपने। ये क्या है, ये स्क्रोल दर्शाता है भविष्यवाणी को। ओके, भविष्यवाणी को दर्शाता है कि आने वाले समय में क्या होगा कि शैतान, जो मतलब हिंदू लोग तो उसे कालकी बोल के मानते हैं, कालकी कौन है हम देखेंगे आगे, मैं आपको दिखाऊँगा। खैर, हिंदू लोग भी मानते हैं कि कालकी आएगा, वो कालकी क्या करेगा, सारे संसार में ये कलयुग का अंत करने कालकी आएगा, और वो संसार में सतयुग लेके आएगा ना, कलयुग ख़त्म हो जाएगा, सतयुग लेके आएगा और वो परमेश्वर बन जाएगा। तो हम जानते हैं कालकी कौन है। तो ये जो एंटी क्राइस्ट 666666 शैतान का चेला, शैतान का दाहिना, शैतान का बेटा टाइप का जो एंटी क्राइस्ट है, वो स्क्रोल को अपने मुँह में दबाए हुए है, यानी जो भविष्यवाणी हुई है ना वो सत्य है, वो हो रही है, पूरी हो रही है। तो यहाँ पर इसी मूर्ति में अगर हम गौर करें तो कई सारे चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो एक और चीज़ अगर आप गौर करेंगे, ये बहुत से यूट्यूबरों ने नहीं किया होगा, इस हाथ को गौर कीजिए, इस हाथ में कितनी उंगलियाँ हैं, इस हाथ में कितनी उंगली है, ध्यान दीजिए, इस हाथ में 5 उंगली नहीं है। देखिए, पहले तो ये आ गया अंगूठा, एक, फिर पॉइंटर, ओके, इसे पॉइंटर फिंगर बोलते हैं, इसे थंब बोलते हैं, पॉइंटर फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, फिर ये देखो, ये एक रिंग फिंगर के जगह में एक और एक्स्ट्रा उंगली है, ये देखो यहाँ से निकल रहा है। देखो, ये मिडिल फिंगर तो यहाँ से आ रहा है ना, देखो, हाँ, मिडिल फिंगर यहाँ से यहाँ तक, और देखो ये रिंग फिंगर की जगह में एक और उंगली है, देखो यहाँ से यहाँ तक। ओके, कितना हुआ, 1 2 3 4 उंगली, और यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर ये रिंग फिंगर 5 उंगली, और ये देखो सबसे छोटी वाली फिंगर, स्मॉल फिंगर बोलते हैं, ये देखो 6 उंगलियाँ हैं। ये बात बहुत से यूट्यूबरों ने नोटिस नहीं की, मैं फिर से गिन के बताता हूँ। देखो, थंब, ये आ गया पॉइंटर फिंगर, दिखाने वाला फिंगर, हम किसी को दिखाते ना तू बोल के, तो ये वो वाला फिंगर, 2 3 मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर जब गुस्सा आता है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये एक्स्ट्रा फिंगर है रिंग फिंगर की जगह में, 4, देखो 1 2 3, ये बीच में एक उंगली छिपा हुआ है भाई, साफ साफ नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ से निकल रही है, ये देखो यहाँ से ऐसे करके 4, और ये देखो ये 5वीं उंगली, रिंग फिंगर, जिस उंगली में ज़्यादातर लोग अंगूठी पहनते हैं, 5, और ये देखो सबसे छोटी उंगली 6, तो टोटल 6 उंगलियां हैं भाई इस हाथ में, 6 किसका चिन्ह है।
छह जो चिन्ह है वो छह 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 भी कह सकते हैं हम उसे, ये शैतान का चिन्ह है, छह 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 शैतान का अंक है, बाइबल देखेंगे हमें पता चल जाएगा। ओके, तो इसी मूर्ति में कई सारी चिन्ह हमें देखने को मिली है, आगे और देखते हैं। तो सब कुछ तो होगा ही, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो मूर्ति थी ना वो सीधा अपने हाथ में लोगों को लेके ऊपर की तरफ कर रही है। और ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पिरामिड है ऊपर, वो जो पिरामिड है वो ऊपर से नीचे को आ रहा है ना, पिरामिड पिरामिड शैतान का चिन्ह होता है, यानी शैतान के राज्य का उदय बस हो रहा है या होने वाला है। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हम फिर से एक सिंहासन देख सकते हैं जो कि शैतान का सिंहासन है, जो देखने में बैफोमेट की तरह लग रहा है। भगवान एक ही सुप्रीम यास्किन। तो जैसा कि हम क्रिश्चियंस लोग जानते हैं कि जो एंटीक्राइस्ट आएगा वो अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा, वो मूर्तियां बनवाएगा, तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, वही माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि यहाँ पर भगवान एक ही बोल रहा है और सुप्रीम पता नहीं यास्किट ना फास्किट जो भी है वो बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग मान रहे हैं ना कि हम परमेश्वर मारेंगे, किसको, जिसके पास ऐसी शक्तियाँ होंगी, कौन, एंटीक्राइस्ट। और अगर इसी तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए पीछे जो उल्टा पिरामिड है ना उसमें साफ साफ बैफोमेट बना हुआ है, यानी शैतान बना हुआ है भाई, यानी वो भगवान कौन होगा, भगवान एक ही बोल रहा है नहीं, ये वो भगवान कौन होगा, वो शैतान होगा। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। एक बात नोटिस कीजिए कि अमिताभ बच्चन के सर पे अभी कोई चीज़ नहीं है, सर के दो आंखों के बीच में जो सर का हिस्सा होता है ना माथा, उसमें कोई भी चीज़ नहीं है अभी। इसके हाथ में जो चीज़ है ना वो चीज़, इससे जब ये अपने सर के सर पे लेगा ना ये चीज़, तो इसके अंदर शक्ति आ जाएगी अमिताभ बच्चन के अंदर। तो यहाँ पर ये माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि जब आप भी वो छाप अपने सर पे लोगे ना तब आपके अंदर भी एक ऐसा अथॉरिटी होगा, एक ऐसा अधिकार होगा, तो क्या आप कुछ भी कर सकोगे, यानी खरीद बेच कर सकोगे, खरीद सकोगे बेच सकोगे ना, बिल्कुल बाइबल का चीज। ये 6000 सालों पहले देखा था, वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। इस ट्रेलर में ये लोग जो बोल रहे हैं ना इस बात को जरा गौर से सुनिए, मैं एक बार फिर से प्ले करूंगा, गौर से सुनिए, अगर आपको पता नहीं चलेगा ना तो उसका मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा कि ये लोग बहुत गहरी बातें बोल रहे हैं। ये 6000 सालों पहले देखा था, वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। तो कुछ पता चला आप लोगों को? यदि नहीं पता चला तो चलिए मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि कितनी गहरी शैतानी बातें कर रहे हैं ये लोग। ये 6000 सालों पहले देखा था, जरा गौर कीजिए, ये बुढ़ऊ बोल रहा है कि ये 6000 साल पहले देखा था। क्या क्या 6000 साल पहले देखा था? अभी यहाँ पर असलियत में ये ना इनडायरेक्ट तरीके से अलग तरीके से बात कर रहे हैं, ये हो सकता है ये बड़ो किसी और चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ फिल्म में, लेकिन असलियत में ये इनडायरेक्ट तरीके से एक तीर दो निशान कर रहा है ये बड़ो। ये क्या कर रहा है कि 6000 साल पहले इंसानियत ने, आदम और हवा ने किसको देखा था, एक्चुअली हवा ने किसको देखा था, यानी इंसानियत ने किसको देखा था 6000 साल पहले? पृथ्वी के कितने साल हुए? बाइबल के हिसाब से पृथ्वी के 6000 साल हुए ना, तो 6000 साल पहले शैतान को देखने वाला इंसान था। उसके बाद में अगर हम अय्यूब की कहानी भी देखेंगे तो अय्यूब को भी शैतान ने सताया, उसके शरीर में फोड़े दिए, घाव दिए, लेकिन फिर भी अय्यूब ने शैतान को नहीं देखा था, केवल हवा ने शैतान को देखा था ना। उसके बाद में अभी तक इंसानियत ने शैतान को डायरेक्टली देखा नहीं है, ठीक है, फिजिकली नहीं देखा है, तो 6000 साल पहले इसे देखा था, मतलब अभी फिर से शैतान को ये देखेंगे 6000 साल बाद। और वो कब होगा? वो तब होगा जब एंटीक्राइस्ट यानी 666 आएगा, शैतान आएगा ना, तब देखेंगे लोग उसे, यानी इंसानियत उसे देखेंगे फिजिकली। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो शक्ति वापस आ गई है, यानी जो 6000 साल पहले इंसानों ने जिसको देखा था यानी शैतान को देखा था, वो शैतान वापस आ गया है, यानी अब क्या, वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। अब शैतान आएगा तो कौन आएगा? शैतान आएगा तो उस शैतान के साथ लड़ने यीशु मसीह आएगा, रोशनी, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बाइबल का वचन, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। तो
जब शैतान आएगा तो ऑब्वियसली यीशु मसीह भी आएगा। ये 6000 सालों पहले देखा था, वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। एक जान के अंदर दूसरी। तो गौर कीजिए कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने जो वो दिखा रहा था ना, वो एक शक्ति की तरह वो शक्ति अपने सर पे लगा लिया, बिल्कुल माथे पे, जैसे बाइबल में दिखाया कि वो क्या करेगा, सर पे या हाथ पे लगाएगा। लेकिन अभी ये शक्तिशाली है अमिताभ बच्चन ये लगाने के बाद में ना, लेकिन जब तक इसने ये छाप या फिर ये शक्ति अपने सर पे नहीं लगाई थी, तब तक ये मरियल था, एकदम मरियल सा। तो यहाँ पर माइंड प्रोग्रामिंग ये की जा रही है कि आप जब, मतलब जो मसीह एंटी क्राइस्ट आएगा ना, तो वो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, ख्रिस्ट विरोधी, वो ऐसे छाप देगा तुम्हें, तो छाप लगा लेना। और यहाँ पर सबसे अंतिम वॉर दिखाई जा रही है, जो अंत में होगा ना, परमेश्वर यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट के बीच में, वही दिखाई जा रही है। आपने अपने घर में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बुझाऊंगा। हर हालत में रोक। एक बार फिर से यहाँ पर वन आई सिंबलिज्म दिखाया जा रहा है। यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं एक तरीके से, यहाँ पर ना एक स्वर्गदूत की तरह दिखाया जा रहा है, जिसने अपने पंख ऊपर उठाए हुए हैं दोनों, और वो खड़ा है। लेकिन ये असल में स्वर्गदूत नहीं है, ये असल में ना कौन है, नरकदूत है। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ो कहता है कि डरो मत, एक नया युग आ रहा है। यहाँ पर ये शैतान के पुजारियों की ये चाह है, उनकी ये इच्छा है, वे चाहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जल्द से जल्द लागू किया जाए, एक ही परमेश्वर, एक ही करेंसी, सब कुछ एक ही हो। और जो ख्रिस्ट विरोधी है वो यही करने वाला है, पूरे संसार को वो कंट्रोल करेगा, पूरे संसार में वो अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करेगा। और हिंदू धर्म में उस एंटी क्राइस्ट को कालकी कहते हैं, लेकिन हम लोग उसे ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट कहते हैं। और जरा नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, एंटर अ न्यू वर्ल्ड ऑन 27 जून 2024। ये फिल्म इस दिन रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं ना, जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं एंटर अ न्यू वर्ल्ड, तो नए युग में दाखिल हों ऐसा बोल रहा है ये भाई। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पर साफ साफ, चूँकि शैतानी चिन्ह है ये, शैतानी भाई, यही चाहते हैं शैतान की पुजारी कि शैतान आके सब कुछ कंट्रोल करे, सब उसके अंडर हो, पैसा वैसा सब एक ही करेंसी हो। और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि उस दिन सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद अपना रोशनी खो देगा, कब, अंत के समय में। तो मेरे प्रियो, आप और हम झूठ हो सकते हैं, आप, ये संसार झूठा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का हर एक वचन भाई झूठा नहीं है, वो पूरा होगा। बाइबल में कहा है ना कि बाइबल का एक बिंदी भी, जब तक यीशु मसीह कहते हैं एक बिंदी भी बाइबल का पूरा होगा, मतलब कहने का ये मतलब है, तो दुनिया उसी तरफ जा रही है जिस भविष्य का इशारा यीशु मसीह ने हजारों साल पहले कर दिया था। मेरे प्रिय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। यदि आप हमें शैतान के इस झूठे कामों का पर्दाफाश करते हुए देखना चाहते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम शैतान का पर्दाफाश कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।